Assalamu alaikum students, I hope you will be fine. Let's start the lesson. Long question number 1, unit number 1, sources of ideology. Today I will teach you the last topic, importance of ideology. Ideology means a sketch, an idea, a thought that emerges in a mind. Without ideology, a nation can't progress, a nation can't achieve its goal. आइडियोलॉजी क्रिएट्स अ स्पिरिट ऑफ स्ट्रगल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. नज़रिया जो होता है वो किसी भी कौम में मेहनत करने के, जदोजहद करने के जज्बे को उभारता है. हर कौम का एक अपना अलग नज़रिया होता है और हर कौम का नज़रिया दूसरी कौम से डिफरेंट होता है. नो थेरी कम्स इन टू बींग इमिजिएटली. कोई भी नज़रिया एकदम से वजूद में नहीं आता. जैसे बरसगीर के मुसलमानों ने जब अपने लिए अलग वतन का मुतालबा किया तो उन्होंने एकदम से मुतालबा नहीं किया था, बल्कि अंग्रेज़ों का हिंदुओं का रवैया देखकर बहुत ज़ालमाना था उनके साथ. द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश एंड द हिंदूज बिकेम वेरी हर्श टूवर्ड्स द मुस्लिम. सो द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिमांडेड अ सेपरेट नेशन, जहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल्स, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें. Ideology is usually created to eliminate deprivation in the backward people of the society. Ideology का जो आमतौर पर मकसद होता है वो यही होता है कि माशरे में जितने भी मुश्किल हालात से दो चार लोग हैं उनकी मुश्किलात को ख़त्म किया जाए, जितने भी महरूम लोग हैं उनकी महरूमियों को ख़त्म किया जाए. अब मुसलमानों का भी यही मकसद था अपने लिए अलग सरजमीन लेने का, कि जितनी भी उनको महरूमियाँ मिली गई थी वो उन महरूमियों को ख़त्म करें और उनको ऐसी ज़मीन मिल जाए जहाँ पे वो फ्रीडम के साथ ज़िंदगियाँ गुजार सकें, अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें. जस्ट एज ब्लैक पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स बिगेन टू फाइट फॉर इक्वल राइट्स, जो अमेरिका में स्याह रंगत के लोग हैं, स्याह रंगत के लोगों को नेग्रो कहा जाता है, हबशी कहा जाता है. अमेरिका में जब स्याह रंगत के लोगों ने अपने इक्वल राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी कि जैसे हकूक़ अंग्रेज़ों को हासिल है वैसे ही हमें भी मिले, सफ़ेद रंगत के लोगों को हासिल है वैसे ही हमें भी मिले, तो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी अंग्रेज़ों की, ये जो ब्लैक पीपल हैं नेग्रो जो हैं इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? देयर आइडियोलॉजी ऑफ इक्वल राइट्स, उनकी आइडियोलॉजी थी इक्वल राइट्स. इट्स ऑल्सो योर शॉर्ट क्वेश्चन. Similarly, when the Muslims of the Indian subcontinent began to struggle for their social and political rights, जब बरसगीर के मुसलमानों ने भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, एहतजाज किया, तो अंग्रेज़ तो इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सके, साथ साथ उनके हिंदू भी बर्दाश्त ना कर सके. Which created a wave of freedom within the Muslim, इसकी वजह से मुसलमानों में आज़ादी की लहर पैदा हो गई, मुसलमानों के अंदर अपने अलग वतन का मुतालबा करने का जज्बा पैदा हो गया. डू यू नो डैट स्टूडेंट्स हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान? अलामा मोहम्मद इकबाल. अलामा मोहम्मद इकबाल गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान. अलामा इकबाल ही वो पहले शख्स हैं जिनके जहन में ये ख्याल आया कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए, अलग खिता होना चाहिए जहाँ पर वो इस्लाम के मुताबिक, इस्लामी कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें. So we can say that behind every ideology there are elements. हर कौम का एक नज़रिया होता है और हर नज़रिए के पीछे उनकी अपनी अलग सकाफत, रस्म व रवाज, तारीख और मज़हब होता है. We are Muslim and our religion is Islam, but the Hindus are not Muslim. हिंदू जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं, उनका रिलीजन भी और है. इसी तरह ब्रिटिश जो हैं उनका रिलीजन और है, उनकी हिस्ट्री और है, उनकी ट्रेडिशंस और है. अब इन तमाम लोगों की आपस में जो ट्रेडिशंस है, हिस्ट्री है, वो टोटली डिफरेंट है. हमारी हिस्ट्री, ट्रेडिशंस अंग्रेज़ों से टोटली डिफरेंट है, अंग्रेज़ों की हिंदुओं से टोटली डिफरेंट है. तो इन्हीं वजूहात की बना पर पाकिस्तान का हमने मुतालबा किया. दीज एलिमेंट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइडियोलॉजी. यही एलिमेंट्स जो हैं, यही अनासर जो हैं, यही जो फैक्टर्स हैं, ये आइडियोलॉजी की अहमियत को वाजिया करते हैं. सो स्टूडेंट्स लर्न दिस पैसेज, आल्सो लर्न शॉर्ट क्वेश्चंस.
What is the purpose of an ideology? What is the ideology of black people? Which are the elements behind an ideology?